नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज़। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कल देर शाम से एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जो हर सोशल मीडिया पर छा रही है। इस ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है एक जाति विशेष के बारे में और कही जा रही है अभद्र बातें। साथ ही इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद समझ में आता है कि किस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी जातिवाद को मानते हैं, वहीं एक विशेष जाति के लिए किस तरह से अपशब्द कहे गए इस ऑडियो क्लिप। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप है स्टेट बार काउंसिल के मेंबर वकील भूप नारायण सोलंकी की, जिनकी आवाज में वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को उपयोग में लाते हैं, साथ ही कैसे वो लोगों को अध्यक्ष बनाते हैं और बाद में जब उनका मन भर जाता है तो अध्यक्ष पद से उसको हटवा देते हैं। इस तरह की कई बातें जो आपत्तिजनक हैं इस ऑडियो क्लिप में मौजूद हैं। हालांकि जब हमने भूप नारायण सिंह से इस बारे में बात करना चाहिए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही किसी जाति विशेष के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस क्लिप को डॉक्टरेट किया गया है, यानी कि काट झांट कर उनको बदनाम करने के लिए बनाया गया है। वहीं इस क्लिप की रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति से बात करने पर पता चला कि इस क्लिप में जितनी देर की बात हुई है उतनी ही रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में भी मौजूद है, साथ ही उतनी ही देर की ड्यूरेशन भूप नारायण सिंह वकील साहब के मोबाइल में भी मिलेगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या है इस क्लिप की हकीकत, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है उसे समझ में नहीं आता कि क्यों संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी जाति विशेष को महत्व देते हैं। फोन कट गया था दादा, मिया मिया को वोट देगा ना? सही बात है, चाहे वो कैसा भी हो ससुरा ना, ब्राह्मण ढूंढे नहीं मिलेगा सारा। हाँ सही बात है, वो 36वां नंबर का वोट भी 36वें ब्राह्मण को देगा। हाँ हाँ, इसीलिए ये जानते हो स्टेट बार में कितने ब्राह्मण हैं? मालूम है ना मेरे को, पूरा एक तरफ ही है, कम से कम 5-7 को छोड़ के 15 हाँ होंगे दादा, 15 हैं ब्राह्मण। कितने हैं? 15 शुक्ला, तिवारी, व्यास, उपाध्याय, पांडे, त्रिपाठी, तिवारी, पाठक, मिश्रा, शर्मा, ये करके टोटल 15 है। होंगे दादा, कितने हैं? 15 अब इन 15 दो तीन ब्राह्मण तो साथ में लेना पड़ेगा। नहीं 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 सही बात है, तुम क्या सोचते हो मैंने शौक से अध्यक्ष बनाता हूँ? वो तो मजबूरी में अध्यक्ष बना के औरों को लात मारता हूँ, उसके पीछे रीजन ये रहता है। ये मादा चोर 15 हैं। अगर तुमने सबको हटा दिया तो एक हो जाएंगे और तुम्हारे लात मार देंगे। सही बात है सर, तो कुछ दिन किसी के जान से लात मारता हूँ, किसी दिन किसी के जान से लात मारता हूँ, इनके अलग अलग तरीके से जब इच्छा होती है कि इसकी लात, अब पुट्ठे लाल हो गए अब ठीक नहीं है, तब दूसरे का पुट्ठा ढूंढता हूँ। इसलिए मैं आपको बताऊं दुर्दशा है साला, देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि काम नहीं जाति चाहिए, जाति काम। सही बात कही, पूरा देश जो है पूरा देश जाति में विभक्त हो रहा है। काहे में विभक्त हो रहा है? जाति और वर्गवाद। सही बात है, और पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। और ये नेताओं भी तो भिड़ा रहे हैं, तू इस जाति का है तेरे इतने वोट है तो चल तू आ गया तेरे को टिकट मिलेगा। नेताओं भी यही कर, राजनीति भी तो यही करती है दादा। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोचते हैं कि उनकी रोटी कैसे सिकेगी। वही तो, वो क्या है कि उसको ऑडियो को उसमें मिक्सर कर करके वो जाति उसको बना दिया गया है। इस प्रकार की हमने कोई बात ही नहीं जी। तो सर वही कैमरे के आगे इतना सा आपका वो चाहिए था, मुझे वर्जन मिल पाएगा? नहीं, मैं तो अभी आज दूसरी जगह कोर्ट में दवाई करा रहा हूँ, बीना में। सर गुना कब आएंगे आप? गुना शाम को आ पाएंगे। ठीक सर, मैं शाम को फोन लगा लूँ आपको? लगा लीजिए। ओके सर, थैंक यू। करीब 3 करोड़ की लागत से बनी आरटीओ विभाग की इमारत हुई खस्ता हाल। बाईपास रोड के किनारे स्थित 3 करोड़ की लागत से बनी नवीन आरटीओ विभाग की बिल्डिंग की हालत वर्तमान में किसी भूत बंगले से कम नहीं। लोक निर्माण विभाग की PIU निर्माण एजेंसी द्वारा बनाई गई इस इमारत को प्रभारी मंत्री जयभान सिंह बवैया ने नवंबर 2017 में ही लोकार्पण किया था।
इस इमारत में जाकर आरटी विभाग को शिफ्ट भी किया जाना था। चूंकि वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए आरटी विभाग और पीएचयू ने इसको हैंडओवर नहीं किया गया है, वहीं इस बिल्डिंग के हैंडओवर करने में दोनों ही विभाग में आपसी खींचातानी जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक पीएचयू द्वारा संबंधित ठेकेदार को बगैर इस बिल्डिंग के हैंडओवर किए पूरा पेमेंट कर दिया गया है। सूत्रों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि लाइट के कनेक्शन को लेकर एवं इमारत की गुणवत्ता पर कई तरह के सवालिया निशान उठते हैं। साथ ही इमारत के निर्माण में मिली भगत के चलते इसमें भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। हमारी टीम ने मौके पे जाके इस नवीन बिल्डिंग का मुआयना किया, तब जो कैमरे में कैद हुआ वो आपको दिखाते हैं। जगह जगह पिलरों में दरारें आ गई हैं, वहीं बेसमेंट को ठीक तरीके से कुटाई न किए जाने के चलते फर्श अंदर धस गया है, जिससे बिल्डिंग में काफी सारे दरारें भी आ गई हैं। अभी जबकि बारिश का मौसम आया भी नहीं है, आगामी समय में जब बारिश आएगी उसकी वजह से बिल्डिंग में कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि पीआईयू विभाग के अधिकारी द्वारा ठीक तरह से मॉनिटरिंग न करने के चलते, या फिर यूं कहें कि जानबूझकर मिलीभगत एवं साठगांठ से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इस बारे में जब हमने लोक निर्माण विभाग के पीआईयू गुना के संभागीय परियोजना क्रियान्वयन यंत्री संवेदना पलिया से मुलाकात कर उनसे पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कैमरे से मुंह छुपाती नजर आई। वहीं इस मामले में आरटीओ दीपक मांझी का कहना है कि मात्र लाइट की समस्या के चलते इमारत को अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया, जबकि इमारत में और भी खामियां हैं जिनको वो कहने में कतरा रहे थे। वहीं इंजीनियर एस के जैन से हमने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ लाइट कनेक्शन ना होने के चलते इमारत अभी तक अधिग्रहण नहीं की गई है। जब उनसे दरारों के बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि थोड़ी बहुत दरारें तो आ ही जाती हैं। हकीकत यह है कि सरकार जनता के सुविधा के नाम पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए विकास के नाम पर कितना भी जतन कर ले, लेकिन विभागों द्वारा ठेकेदारों से कराए गए निर्माण कार्यों को जीरो ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है। जिस तरह से इस बिल्डिंग को देखकर साफ जाहिर होता है कि इसमें कितने हद तक या किस चरम तक भ्रष्टाचार किया गया होगा, क्योंकि इसके निर्माण के साथ ही इसमें इतनी खामियां आ गईं, आगामी भविष्य में ये कैसे टिक पाएगी यह भी सोचने लायक है। क्रैक एक्चुअली पीछे की तरफ जो प्लिंथ प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी सी बैठक ले गई है, मेन बिल्डिंग में क्रैक नहीं है, उसको दुरुस्त करा दिया जाएगा। तो क्या कारण थी? नहीं, काली मिट्टी थी ना वहाँ, इसलिए थोड़ी बैठक ले गई। अच्छा, हैंडओवर नहीं अभी तक आरटीओ साहब ये कह रहे हैं कि उसमें विद्युत कनेक्शन मीटर का नहीं होने से शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। मीटर कनेक्शन सामान्यतः विभाग को ही लेना होता है, लेकिन वो कह रहा है कि पीआईयू को कराना है। तो कुछ काम ऐसे अधूरे बचे उनका, इनका ऐसा कहना था? काम कोई नहीं बचे उनका, हमारे पास राइटिंग में लेटर थे सर, लेकिन मैं काम कोई नहीं है सर, उन्होंने विद्युत मीटर कनेक्शन ना होने से शिफ्ट नहीं हो पा रहा। यही आरटीओ साहब से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे मेन पिलरों में भी थोड़ा क्रेक बताया जा रहा है, जैसे ही बिल्डिंग में आने वाली बारिश में खतरा बताया जा रहा है। हमारे पास जो लिखित में पत्र उनके हैं उनमें उन्होंने यही अवगत कराया है कि मीटर कनेक्शन ना होने से शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर साहब को उन्होंने पत्र लिखे हैं, सब कुछ हो गया है। प्रशासन के माध्यम से जनता को कम जगह के कारण यहाँ पे घटना पड़ रहा है, करीब 2 साल हो गए अभी तक शिफ्टिंग तो नहीं किया, तो क्या कारण मानते हैं आप इसको? बता रहा हूँ ना, वो मीटर कनेक्शन का पॉइंट बता रहे हैं कि मीटर कनेक्शन हमको लेना है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। मीटर कनेक्शन कोई भी ले, शासन की बिल्डिंग क्या है, आपका कहना सही है, लेकिन हमारा जो फंड है वो मार्च में खत्म हो चुका है। उन्होंने हमको अप्रैल में अवगत कराया, वहाँ 39,705 रुपये एमपीपी को जमा करना है, हमारे पास फंड नहीं है, विभाग ही लेता है संबंधित विभाग। कितने करोड़ की बिल्डिंग? 3 करोड़ की स्वीकृति थी। और ठेकेदार को पूरा पेमेंट हो गया? ठेकेदार को परफॉर्मेंस गारंटी छोड़ के पूरे भुगतान। कितना अमाउंट की परफॉर्मेंस गारंटी छोड़ी जाती? 5% की। आपका नवीन जो आरटीओ कार्यालय है उसका भवन निर्माण नवंबर में उसका लोकार्पण माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा किया गया था, लेकिन उसका बिजली से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड बहुत सारा काम उसमें बाकी था। इलेक्ट्रिक पोल भी नहीं लगे हुए थे और जो फीडर था वो ग्रामीण फीडर था, तो उसको शहरी में भी कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो शहरी ही चाहिए था अपने को, और विद्युत कनेक्शन से रिलेटेड काम भी नहीं हुआ था, इसलिए शिफ्टिंग नहीं की जा सकती।
अच्छा निर्माण जो PIU है उन्होंने निर्माण एजेंसी है उस उनके उनके माध्यम से आपने उनको वो नहीं कराया? नहीं, पत्राचार निरंतर रूप से उनको पत्राचार किया गया है इससे रिलेटेड, और जो इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम है और शहरी फीडर लगाने का काम उनके द्वारा कर दिया गया है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन से रिलेटेड काम नहीं है सर। क्या संभावना मानी जाए कब तक शिफ्टिंग में ये कार्य हो जाए? नहीं, हम तो शिफ्टिंग के लिए रेडी हैं बिल्कुल, जैसे ही विद्युत कनेक्शन हो जाएगा वैसे ही शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा उस बिल्डिंग में जो नई बनी है आपने अभी तक शिफ्टिंग नहीं की, लेकिन कुछ ग्रह आ गए जो हमारी विजन में है, तो बिल्डिंग गुणवत्ता पर भी सवाल या निशान है, तो इस बारे में आपका क्या कहना? अभी मैं विजिट नहीं किया हूँ बिल्डिंग रिसेंटली, पहले विजिट किया था, हो सकता है क्रैक्स हों, तो इसके विषय में आप निर्माण एजेंसी से पूछें ज़्यादा बेटर होगा। अभी तो मैं पोजिशन नहीं लिया हूँ, हैंड ओवर नहीं हुआ। मधुसूदनगढ़ में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने लिया कार्यकर्ताओं की बैठक और जाने लोगों की समस्याएं, साथ ही विभिन्न समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने यह भी कहा कि मधुसूदनगढ़ की सफाई कर्मियों की समस्या का हल नहीं निकलता तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। मधुसूदनगढ़ में पिछले कुछ महीनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बता दें कि मधुसूदनगढ़ में विगत कई माह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह के इस दौरे के दौरान हमारे मधुसूदनगढ़ संवाददाता टोनी शाह ने जब उनसे जानना चाहा कि आगामी चुनाव में चाचुड़ा से कौन लड़ेगा, तो इस पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अभी कुछ पक्का नहीं है कौन लड़ेगा, विधानसभा से उसी को टिकट दिया जाएगा जो जीतने योग्य प्रत्याशी होगा। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी ही तय करेगी टिकट किसको देना है किसको नहीं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है और ऐसे हालात कभी पहले देखे नहीं, 40 वर्ष हो गए हैं राजनीति में, ऐसा कोई विभाग नहीं जो हड़ताल पे ना हो। वन विभाग हड़ताल पे, प्रॉपर्टी बैंक के लोग हड़ताल पे, सफाई कर्मी हड़ताल पे, और ऐसी स्थिति कैसे बनी मैं तो नहीं जानता, लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। खाद बीज नहीं मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं खुलेगा तो खाद बीज कैसे मिलेगा, जंगल कट रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, सफाई कर्मी परेशान है, अभी बारिश आने वाली है और सफाई कर्मी हड़ताल पे रहेंगे तो फिर नगर का क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, तो सरकार को जरा गंभीरता से इस मामले को लेकर इसका हल निकालना चाहिए। यहाँ कोई जवाबदार अधिकारी आया तक नहीं है, अभी SDO से बात हुई, उन्होंने कहा मैं आऊँगा, आपको देखते हैं, आते नहीं आते, और अगर कोई 3-4 दिन में हल नहीं निकलता है तो हम लोग फिर धरना आंदोलन करेंगे। सर, चाचौड़ा विधानसभा में कांग्रेस एक के प्रत्याशी के तौर पर आपका नाम निकल कर सामने आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी प्रत्याशी का कोई पक्का नहीं कौन लड़ेगा, ये पार्टी तय करती है, और इस बार ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा नेता कोई टिकट देगा या हमारे किले से कोई टिकट बंटेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक सर्वे पार्टी ने किया है और जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको पार्टी लड़ाएगी, क्योंकि अगर जीत प्राथमिकता नहीं है तो फिर सरकार कैसे बनेगी। तो इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि जो जीतेगा, जीत प्राथमिकता हमारी है, जीतने वाले उम्मीदवार को लड़ाएंगे और हम जीतेंगे। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। चार माह बाद आखिरकार दोबारा शुरू की गई ग्वालियर से भोपाल इंटरसिटी ट्रेन। आपको बता दें कि पिछले 4 माह से इस ट्रेन के ट्रैक पर काम किए जाने की बात कहकर इसको बंद कर दिया गया था। साथ ही यह भी सुनने में आ रहा था कि इस ट्रेन को घाटे के चलते हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये ट्रेन आज पुनः शुरू की गई, जिसके चलते आज समाजसेवियों ने मिलकर ट्रेन के स्टाफ का फूल माला पहनाकर स्वागत किया एवं हरी झंडी भी दिखाई गई। बधाई हो। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी ट्रेन भोपाल जाने पर बधाई हो। भोपाल इंटरसिटी ट्रेन दोबारा भोपाल तक जाने पर आप सबको बधाई हो। आंदोलन सफल हुआ भैया से ले लो। आंदोलन सफल हुआ। भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी ट्रेन भोपाल तक जाने पर आप सबको बधाई हो। बधाई हो। ट्रेन का
काफी समय से लगभग 4 महीने से भोपाल नहीं जा रही थी, बिना से ये वापस आ जाती थी, तो ये आंदोलन की जीत हुई है और ये पहली बार भोपाल जा रही है 4 महीने के बाद। तो जो साथी लेकर जा रहे हैं गार्ड ड्राइवर, उनका हम स्वागत करने के लिए सभी साथी आए हैं। आज इंटरसिटी ट्रेन जो ग्वालियर से चल के गुना होते हुए भोपाल तक जाती थी, वो ट्रेन पिछले 4 महीनों से बंद चल रही थी। और ये सामाजिक संगठन, अलग अलग लोग व्यक्तिगत रूप से सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग भी आंदोलन कर रहे थे और सभी लोगों ने मिलकर इसमें भागीदारी निभाई। डीवाईओ ने भी इस आंदोलन को उठाया, सांसद की तरफ से भी आवाज़ उठी, अलग अलग जगह से आवाज़ उठी, तो आंदोलन सफल हुआ। ये ट्रेन पुनः आज से भोपाल तक जाएगी, इसीलिए आज पहली बार वो 4 महीने के बाद भोपाल जा रही है, इसलिए ड्राइवर गार्ड का हम यहाँ माला पहनाकर स्वागत करने के लिए आए हैं। और दूसरा, हमने DRM रेलवे को भी आभार व्यक्त किया है, स्टेशन मास्टर का भी आभार, रेल मंत्रालय का भी आभार और उन लोगों का भी आभार जिन लोगों ने फेसबुक व्हाट्सअप पर इस मुहिम को चलाया, मीडिया का भी धन्यवाद कि उन्होंने ये आवाज़ जनता तक पहुँचाई। इसीलिए आज शहर के प्रबुद्ध जनों ने, पुष्पराज जी हैं, किल्लू भाई हैं, नीरज है, संजीव है और सभी साथियों ने मिलकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ड्राइवर और गार्ड का माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय किसान संघ ने अपनी त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसकी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। जी अच्छा, बता किस संबंध में बैठक रखी गई और क्या? देखो, हमारी ये एक जिला सम्मेलन है और त्रैमासिक जो हमारी सदस्यता होती है, त्रैमासिक सदस्यता का लक्ष्य हमारा पूरा हो गया समय, और तहसीलों के सम्मेलन भी हो गए। आज जिला सम्मेलन के अंतर्गत हमारी जिला टीम का दोबारा से गठन हुआ है, तो यहाँ पे जो पहले जो कार्यकारिणी थी लगभग उसी का ही दोबारा से रिन्यूअल कर दिया है। बरनादा का अंडरपास बना, 105 गांव एवं 3 तहसील क्षेत्र के किसानों, विद्यार्थी और आम जन के लिए गले की हड्डी। अक्सर अंडरब्रिज को लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जाता है, किंतु इस अंडरब्रिज में लोगों का हाल बेहाल है। बच्चे एवं ग्रामीण जब यहां से निकलते हैं तो कीचड़ में फंस जाते हैं, साथ ही कई गाड़ियां भी कीचड़ में धंसती नजर आ जाती हैं। रेलवे द्वारा सुविधा देने के नाम पर किए गए करोड़ों खर्च में भी पानी भर जाता है, चूंकि इसकी हाइट भी कम है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। किसानों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारी फसल कटाई पे खड़ी है, जिसके चलते हार्वेस्टर नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं हार्वेस्टर को दूसरे रास्ते से लेके आने पे कई बार 2 गुना पैसा भी देना पड़ता है। जैसे तैसे फसल हाथ लगती है, लेकिन अनाज से भरी ट्रॉली में पानी भरने का डर सताता है। स्थानीय निवासी एवं स्कूल के बच्चों का कहना है कि तेज वर्षा होने पर यहां 5 फीट तक पानी भर जाता है। यदि इस पुलिया में से निकासी के पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो कुछ हद तक यहां लोगों को राहत मिल सकती है। मैं किरण निवासी के रहने वाला हूं और धरनागर स्कूल में पढ़ता हूं। इस रास्ता से मेरे रोजाना आना जाना है, इसमें निकलने की समस्या है और इसमें निकलते हैं कपड़ा भी गंदे होते हैं, रास्ता बरसात में रुक जाता है, बहुत परेशानी पड़ती है। तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ सुविधाएँ की जाए, ट्यूब वगैरह या सब। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे साहब, हम जाके वो चाह रहे हैं, हम खेती नहीं बो पा रहे हैं 5 साल हो गए अभी तक। जब बारिश हो जाती है उधर दे जाते हैं, रेल पर चढ़े तो रेल कट के मर जाते हैं, और पहली बात तो वहाँ मट्टी भर जाती, निकल भी जाती, कहाँ से निकलते? हम तो बहुत दुखी परेशान है इस चीज़ों से। अभी बारिश आई, थोड़ी बूंदाबांदी, भाई पानी भर गया, उधर उधर खड़े मोड़ा मोड़ी पैदा हो रहा है, बहिरन के साहब तो कहाँ लेके भागे, भी नहीं पानी भर गया, डूब रहे, मर रहे हैं, जीव गत हो रही है हमारे। इसमें और भी कुछ परेशानी होगी? परेशानी बहुत है साहब, सांप रहते हैं जहाँ में, बिच्छू रहते हैं। सर, हम इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ी बूंदाबांदी हुई, इसके बाद भी माने प्रशासन ने इसमें करोड़ों रुपया खर्च किया है, इसके बाद भी इसमें सुविधा की बजाय असुविधा है, क्योंकि अभी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, जिसके किसी के कारण अभी इसमें निकलना मुश्किल हो रहा है,
और अभी यदि बारिश होगी तो हमारे लिए, हमारे इधर खेत हैं तो इसमें हमारे लिए माने ट्रैक्टर लाना ले जाना बहुत बहुत दिक्कत आती है इसमें, और यदि बारिश में तो इसमें निकलना ही मुश्किल हो जाता है माने, और जैसे कि हमारी फसल पक जाती है इसके काटने के लिए हमारे लिए हार्वेस्टर माने कम से कम 20 किलोमीटर घुमा के लाना पड़ता है, और वो लेता है हमसे कम करीबन करीबन 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है जब हमारी फसल कट पाती है। इसलिए इसके पुलिया के माध्यम से कम 10 से 15 से 20 गांव लगे हुए हैं, लेकिन 15-20 गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि इसकी जल्द से जल्द कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों की परेशानी का हल हो सके और इस परेशानी से बच सके। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। मधुसूदनगढ़ में स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक कपिल पंथी पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है। वही महिला ने यह बताया कि कई दिनों से वह अपने काम के सिलसिले में बैंक के चक्कर काट रही थी, जिसके चलते आए दिन कपिलपंथी महिला के साथ अभद्रता कर रहा था। जब मामला हद से ज्यादा गुजर गया तो महिला ने हिम्मत जुटाकर बैंक सहायक प्रबंधक कपिलपंथी की शिकायत पुलिस से कर दी। वहीं जब हमने इस बारे में स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक कपिलपंथी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। कपिलपंथी के इस तरह से करने पर शक तो होता है कि कहीं महिला की कही बात सही तो नहीं। ये हुआ सर, कपिल ने जो बैंक में लोन हुआ था, लोन की सब्सिडी डल चुकी थी, जिसके कारण वो बड़े साहब थे नहीं, छोटे साहब कपिल के साथ साहब के साथ गई थी। इसके बाद वो केवल बदतमीज स्पेस होता रहा और अवन वो करा उनके साथ। क्या किया? ना तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूँ। और क्या किया? पर जी के साहब होता झाड़ भी जाती जब जी की साहब हो। और अभद्रता वगैरह भी करते हैं क्या? हाँ, अभद्रता करते हैं ना। कौन करते हैं? कपिल। क्या करते हैं? यही करते हैं, क्या नाम, बुरी नज़र से देखते हैं और क्या नाम, फिर उसके बाद साथ में जी किताब उधर भी रही, क्या नाम, तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा कर दूँगा, बदतमीजी करता हुआ। अच्छा, क्या करता है? गाली गलौज भी करता है कभी कभी। अच्छा। गैंग में कोई नहीं हो रहे होते हैं जब गाली गलौज भी करता। अच्छा, अलग में और बुलाता है वो। अच्छा, क्या कहता है बुला के? यही कहता है तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा कर दूँगा। कौन कहता है? कपिल। लोन के लाने गई थी मैं, जानकारी में लाने के लाने जी, तो मैंने देखा तो मैंने इधर साहब बड़े है नहीं गए थे वहाँ, तो मैंने देखा तो कपिल सर बैठे थे। मैंने पूछा सर ये लोन का क्या मामला चल रही है, क्या कर रहा है आप? कि वो कुछ नहीं कर रहा है, हम तो जो हमें दिखी थी वो हमने कर लिया, आपको दिखे जी आप करना था। मैंने कहा सर ऐसा क्यों करा आपने, जो हमारी लोन थी सब्सिडी डल गई थी वो आपने हमारी सब्सिडी वापस क्यों कर दी, कहना वो मैंने कर दिया जो आपको दिखे वो करना। फिर बोला कहना वो इधर आओ कहने लगा। मैंने कहा क्यों सर, क्यों लगा? वो जो बोलना है वो हमको बोलना, कहना वो तुम एक काम करो, हमारा काम आप कर दो, आपका काम हम कर देंगे। तो सर मैं तो वापस थोड़ा सा मुँह लेके और खड़ी होके, पर इतने मुझे पहुँच गए तो मैं बाहर निकल आई। और क्या किया उन्होंने? और बदतमीजी करी सर। तो जब जाती हूँ जब क्या बोलते हैं बैंक में? बोलते हैं कि ना आप हमारा काम करो, आपका काम हम करेंगे। हाँ। ये मालूम नहीं कौन सा काम करवाना है कौन सा नहीं करवाना है। और क्या बदतमीजी से भी करते? बदतमीजी से बोलते हैं सर। बदतमीजी भी करते हैं कि आपके साथ? बोलते हैं। जिले की आशा कार्यकर्ताएं आज मिली जिला कलेक्टर से। आशा कार्यकर्ताओं की माने तो उनका पारितोषिक इतना कम है जिससे उनके घर का गुजारा भी नहीं चल पाता। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि ना तो कार्यालय में ना ही बाहर उनसे कोई ठीक तरीके से बात करता है। अगर वे किसी तरह के डिलीवरी केस को या फिर किसी सर्वे की रिपोर्ट को लेकर कार्यालय जाती है तो उनसे कोई ठीक तरह से बात भी नहीं करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनको प्रतिदिन 250 रुपए से कम पारितोषिक मिलता है, जो एक मजदूर के पारितोषिक से बहुत कम है। उन्होंने गुहार लगाई कि उनके वेतन का नियमितीकरण कर दिया जाए जिससे उन्हें पता तो चले कि आखिर महीने में उनको कितना मिलना है। नहीं सर, आपका तो नहीं चल रहा है ना सर, आप
नहीं तो सारी जगह है तो बन चुकी है, मगर हमारे यहाँ जो एमपी में है, हमारे यहाँ एमपी में क्यों नहीं बन रही है, इसलिए हम आपसे निवेदन। जो आशाएं हैं 10-11 साल हो गए इनको, ये क्या है सिर्फ प्रोत्साहन राशि पर ही काम कर रही हैं। इनको क्या जितना काम किया जाता है सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिले। जो मजदूर है उसको रोज के हिसाब से 250-300 मिलते हैं, हमको तो वो भी नहीं पड़ता। हमको 600 रुपए के लिए हम 9 महीने इंतजार करते हैं, और वो भी ऐसा है महीने में जैसे कुछ आ जाता है पर तो उसमें पेमेंट भी नहीं हो पाता हर महीने, जैसे अभी 2 महीने बाद पेमेंट हुआ है। सभी जगहों पर क्या है बन चुकी है पेमेंट, और हमारी एमपी में ऐसी है जो आशाओं को लेकर किसी भी जगह मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हलचल ही नहीं है कि आशाओं के लिए मतलब पेमेंट हो या और कुछ हो। अभी पेमेंट पेमेंट रुका हुआ है क्या आपका? पेमेंट हमारा रुकता नहीं है, पेमेंट तो डलता है जैसे 2 महीने में है, 2 महीने में ऐसे डल जाता है। कितने सैलरी कितनी है आपको? हम इसीलिए हमने आवेदन दिया है। सैलरी है ही नहीं, नहीं। पेमेंट का पेमेंट किस चीज़ का मिलता है? डिलीवरी पे मिलता है हमको, डिलीवरी के 650 रुपये मिलते हैं, टीकाकरण के 150 रुपये मिलते हैं, आशा मीटिंग के 200 रुपये मिलते हैं, और ऑपरेशन के मिलते हैं। ऐसे मिलाकर मतलब ऑपरेशन का ऐसा रहता है जैसे आपने चार मिला करा हो जाते हैं उसके बाद में हमको पेमेंट मिलता है। चार्ज क्या हो गया सभी लोगों का इकट्ठा चार्ज बनता है, जितना इकट्ठा जाता है फिर सभी को मिलता वो 6 महीना में। मगर ये है हम लोग ये चाहते हैं जो प्रोत्साहन राशि है उसे बंद ना करें, और जो हमारे जो वेतन बांध दिया जाए इसलिए हम सर के पास आवेदन दे रहे हैं। बात ही सर अगर ये कहते हैं कि आपका पेमेंट जब ही निकालेंगे जब आप कोई भी चीज़ का सर्वे करके दोगे, अगर आप सर्वे नहीं करके दोगे तो एनएम साइन नहीं करेंगे, एनएम साइन नहीं करती है तो पेमेंट नहीं निकलता है सर। तब ये बताओ सर हम इस वक्त लेकर जाएं कहाँ आखिर में? हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ दुष्कार के भगाते हैं, नर्सिंग के उसमें जाते हैं डिलीवरी का केस लेकर के तो वो दुष्कार के भगाते हैं, मतलब इज्जत और सम्मान कहीं नहीं है कुल मिलाकर। क्या नाम है आपका? रेखा धाकड़ सर, मेरा नाम। कहाँ पदस्थ हैं आप? मेरा है गोकुल सिंह का चक। ये सभी आसपास के हम शहरियों को तो सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं, उसमें भी सर मालूम क्या होता है जैसे 9 महीने अपन ने सेवा दी है और उसी बीच में अगर किसी महिला ने हमें नहीं बुलाया तो वो भी चलेगा, उसका नाम भी नहीं, उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। गजनई गांव के रहवासी जी रहे नारकीय जिंदगी। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में पिछले 1.5 साल से विद्युत प्रदाय ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते वे अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। विगत 1.5 वर्षों से उनके क्षेत्रीय नेताओं से कई बार शिकायत भी की लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के दिन तो जैसे तैसे कट गए लेकिन आने वाले समय में बरसात होना है जिससे मच्छरों का प्रकोप एवं कीड़े मकोड़ों का डर बना रहेगा। इसी बात की गुहार लगाने ग्रामीण पहुंचे जन सुनवाई में, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनके क्षेत्र में विद्युत प्रदाय शुरू किया जाए। साहब हम भी क्या 1 साल से लाइट नहीं है, टीवी खराब रही है, ना कोई रख है। हाँ 1-1.5 साल हो गई तो साहब अब हमें जाना परेशान ये है कि अब तो बड़े दिनों में दिन काट लें, अब बरसात आ रही है, बच्चे नहीं मच्छर खाएंगे तो बहुत जान दिक्कत आ जाए, कीड़ा मकूड़ा। तो इसकी शिकायत आपने MPV में करी थी? नहीं साहब पहली बार करी है, तब कोई ने नहीं सुनी जब करी है हमने। अच्छा तो करीबन कितने साल से बंद है? कम से कम 1.5 साल से। 1.5 साल से आप चुप बैठे हैं? आपने कहीं शिकायत नहीं करी? नहीं भाई भी नेता लोग आते तो कह रही थी हम कर हमने समझा देते घर हम मान जाते। तो आप इसी इंतजार में बैठे थे? उनके इंतजार में बैठ रहे साहब, हम धरवा रहे हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं धरी। कौन नेता लोग आए थे? गांव के मोहल्ला के कछु गांव के कहने का रखी हो रही है तुम्हें दखल, पूरे गाँव की लाइट नहीं है तो सर नहीं बिन के घर उड़ी भी है साहब, बिन ने डर रहा है मोहल्ला परेशान है। तो करीबन कितने घरों में लाइट नहीं है वहाँ? कम से कम 20-25 घर में लाइट। जमीन के कब्जे के लिए भटक रहा है किसान। मधुसनगढ़ से आए रामस्वरूप अहिरवार ने बताया कि उसके जमीन का पट्टा 2006 में उसको मिला था, जिसके बाद उस जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिस जमीन को छुड़ाने के लिए उसने कई बार गुनाह और चक्कर भी लगाए, जिसके चलते प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने उसको भूमि पर कब्जा दिला दिया। वहीं ये कब्जा उसे 2017 में मिला। वहीं किसान ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसे जमीन पर कब्जा मिला उसके बाद उसे पता चला कि उसका पट्टा निरस्त कर दिया गया है। इसी बात की गुहार लगाने में आज जन सुनवाई पहुंचा, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे अपील करने की हिदायत दी है।
ये है कि मैं कम से कम मुझे 2002 में पट्टा मिला था मेरे पिताजी के नाम चीतालाल अहिरवार के नाम से सर उसी उस पर दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था नारायण सेन ने सर जब से फिर मैं कब्जा छुड़वाने का प्रयास कर रहा था सर फिर मुझे कब्जा मिला सर 24/6/17 को सर उसमें कब्जा के उपरांत साहब मुझे मौके पर कब्जा दिलाया गया आरई पटवारी पुलिस समक्षम और जिसके अलावा फिर ट्रैक्टर चलवा के आई पुलिस मौके पर सर और मुझे घुमा के आई है ज़मीन को और फिर सर एसडीएम साहब महोदय ने 10वें महीने में उस पट्टे को निरस्त कर दिया सर। अच्छा इसकी बात करी आपने? सर बात की थी जो कहते हैं अपील कर दो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कलेक्टर महोदय भी यहाँ जो लेने के आवेदन लेने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ यहाँ जन सुनवाई में दिया था एक बार कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को लिखा था सर जो आवेदन है उसका। प्रशासन कितनी भी जद्दोजहद कर रहे लेकिन सबको संतुष्ट करना संभव नहीं। ऐसा ही मामला गजनाई से आया जहां महिलाएं जनसुनवाई में पहुंची और कुटी की मांग करने लगी। इन महिलाओं के अनुसार ये लोग कई वर्षों से गजनाई में रह रही हैं पर इन्हें कुटी नहीं मिल पाई है। दो तीन दिन कुटी में लगाई हमारी कोई सुनवाई नहीं है ना हमारी कोई नदाई हमारे सुसारे में कोई ये नहीं मिली यहाँ से और आगे तक 50 साल पहले से 50 साल पीछे तक ना हमें नहीं मिली समय मिल गई साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं है हम पैसा दे रहे हैं तो हमारी हो जाए हमका देला नहीं है कुछ नहीं है कितने लोगों को नहीं मिला अभी तक आप में से कितने लोगों की कुटी नहीं मिली अबे तो होगा 10-20 कुटी मिल गई चार मिल गई हमका नहीं कोई नहीं आया दो दो आ गई तीन तीन आ गई हमका का जो सुनवाई नहीं घर में चार चार छह कुटी है साहब रंगपुरा से आए ग्रामीणों ने जनसुनवाई पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। युवक ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र नामक युवक उसके भाई को घर से लेकर गया जिसके बाद ट्रैक्टर पलट जाने से उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद सुरेंद्र उसके भाई को वहीं छोड़कर चला गया। युवक ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। विगत कुछ दिनों पूर्व राधोगढ़ में एक युवक इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने जनसुनवाई पहुंचा था। युवक का आरोप था कि उसकी सौतेली मां ने उसके पिता के सारी जायदाद एवं पैसों पर कब्जा कर रखा है जिसके साथ ही सौतेली मां उन्हें कुछ भी पैसा खर्चे नहीं देती। साथ ही युवक ने यह भी बताया था कि महिला ने उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया है। वहीं आज इसके उलट ही जनसुनवाई में महिला पहुंची। महिला ने बताया कि उसने उन दोनों बच्चों के पिता से दूसरी शादी की थी। वहीं इस महिला की दो नाबालिग बच्चियां भी हैं जो इस महिला के साथ ही रहती हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उसने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर काफी पैसा खर्च किया। वहीं दोनों युवकों को पढ़ाने के लिए कॉलेज तक की फीस जमा करी जिसके बाद दोनों युवक उसको आए दिन परेशान करते रहते हैं। साथ ही उसे रहने के लिए घर में केवल 2 ही कमरे दिए गए हैं। इसके साथ ही उसकी दोनों नाबालिग बच्चियों का बाहर निकलना भी बंद है क्योंकि युवक के दोस्त उन लड़कियों पर अश्लील फफ्तियां कसते हैं। महिला ने कई तरह के गंभीर आरोप उन दोनों युवकों पर लगाए हैं। वहीं महिला ने यह भी कहा कि रावगढ़ में निकलना दुर्भर हो गया है क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें इन लोगों से करके इनको प्रताड़ित करते रहते हैं। वहीं महिला ने गुहार लगाई कि इन दोनों युवकों से उनकी नाबालिग बच्चियों को बचाया जाए। लड़कियों को बात करने देते मंदिरों पे जाते हैं तो उनको खत्म लगाते हैं। दोनों भाई पंडितों से पूछते हैं जैसे क्यों हमको कहीं नहीं निकलने देते इतनी इतनी सी चीज़ के लिए हम परेशान होते हैं। चोरी छुपे बाजार में जाके बहुत मुश्किल है। कभी हम बाहर सड़क पर रात को जाते हैं नहीं किसी के घर जाते थे। जंगल में जाए तो हमको खत्म लगा रहे हैं।
किसी के घर जाते हैं तो उनको गाली देने लगे, कोई मोहल्ला हमला है तो मेरे पति की, मैं दूसरी पत्नी हूँ और पहली पत्नी से दो लड़के थे और मेरी दो लड़कियां हैं। मेरे पति की मृत्यु होने के बाद वो लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं, वो उनका कहना है कि तू यहाँ से निकल जा, सब संपत्ति पे बेटों का हक होता है, सौतेली माँ बहनों का नहीं होता है। जो पिछले हफ्ते जो देने की इच्छा मृत्यु मांग रहे थे वो दोनों मेरे ही बच्चे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो दोनों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं कि घर से निकालना चाहते हैं। मेरा पूरे घर में वो रहते हैं, मैं तो सिर्फ दो कमरे किचन में रहती हूँ। इसके बाद मुझे लेटरिन बाथरूम बाहर आंगन में जाना पड़ती है, मुझे जाना बहुत मुश्किल रहता है मुझे और मेरी लड़कियों को। इसके बाद मुझे स्कूल भी भेजना मुश्किल है, बाजार में भी। हम तीनों को तो इतने खसम लगा चुके हैं कि रावण का हर हाथ में कम पड़ गया, तो गाँव वालों को खसम लगाते हैं, लड़कियों की कहते हैं नाबालिग लड़कियाँ हैं, चार चार आदमी झूठे हैं कि बाहर जाती हैं, तो आप किसी से जानकारी तो लो कि नाबालिग लड़की से चार चार कोई रावण में कोई मदद करने वाला नहीं है क्या? इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, इसको इतना बदनाम कर देंगे जब कैसे अपनी लड़कियों की शादी करेगी, पालन पोषण। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिले और हमारी नौकरी में भी कोई अनुकंपा नुक्ति में भी दिक्कत आ रही है, वो मामला मिले, बस वो इनका कहना यही है कि जितनी भी जो पाप की संपत्ति है वो सब में हम। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पति और बेटियों का हक नहीं होता पाप की, मतलब आप ये चाहते हैं कि सबको मिले, सबको मिले नहीं तो हमारी व्यवस्था करे कोई। आप यही चाहती हैं उन्हें भी मिले और बराबर हमें भी मिले? हाँ, हमने आज तक बेईमानी नहीं की, इसके बाद भी अब हम नहीं चाहते। जब हमको इतना बदनाम कर दिया तो पहले हम अपना सब अपनी व्यवस्था करेंगे, इसके बाद देंगे उनको, नहीं कुछ नहीं देंगे हम। अभी आप, हमने दोनों लड़कों को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, बड़े लड़के को हमने M.Com B.Com करा के, कंप्यूटर करा के, नहीं सब लिखना है, और इंदौर B.Com MBA कराया, इसके बाद भी सर खुद नौकरी लग रही है, नौकरी छोड़ रहे हैं दोनों भाई। अभी पिछले महीने 16 तारीख को नौकरी वाले ले खड़े रहे कि चल आकाश तेरी नौकरी हम लगवाते हैं, कहता है नहीं इस कुतिया को बाहर निकाल देंगे, इसके बाद नौकरी ढूंढेंगे। आपने अभी कलेक्टर साहब से बात करी? नहीं, वो क्या बोले? उनने SP का बोल दिया है कि आप SP के पास जाओ। कोलुपुरा निवासी महिला पहुंची जनसुनवाई। महिला का आरोप है कि मनीष जैन नामक एक व्यक्ति से उन्होंने सकतपुर में एक जमीन खरीदी जिससे 6 साल से ऊपर हो गए हैं। महिला की माने तो मनीष जैन ने उसे फर्जी तरीके से एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराई जिस पर उस महिला ने मकान भी खड़ा कर लिया, लेकिन मकान खड़ा होने के बाद उस मकान को गिरवा दिया गया। साथ ही जब महिला न्याय की गुहार लगाने तहसील पहुंची तो पता चला कि उस महिला के नाम से उस पूरे क्षेत्र में कोई भी प्लॉट नहीं है। वही महिला ने आरोप लगाया कि मुझे न्याय दिलाया जाए और जल्द से जल्द मनीष जैन पर कार्यवाही की जाए। क्या समस्या रही जो आपका मकान गिराया? जो मनीष जैन ने हमने संग 420 के कहूँ प्लाट बताया, कहूँ रस्टी के, तो पूरा मकान गिरा दिया? हाँ, पूरा मकान गिरा दिया। दूसरी जगह जमीन दी, उसका खर्चा दिया? हाँ, कुछ नहीं दिया। तो अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर साहब से हमने 2-3 बजे दरखास्त लगा दी, कोई सुना? क्या बोल रहे हैं कलेक्टर साहब जी? बोल रहे पटवारी से जाँच कराओ, तो पटवारी से ही जाँच कराई, तो पटवारी जी बोल रहे हमने जांच करी आज कोई जगह नहीं आवा तुम्हारे नाम। अच्छा, तो फिर आप दोबारा कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, दोबारा कलेक्टर साहब से आए तो एक मैडम बैठी थी, तो उन्होंने जो बोली कि कोतवाली में जाओ, कोतवाली में FIR कटाओ, वो कोर्ट में लगाओ।
कुछ समय पूर्व संजय स्टेडियम में खड़े होने वाले वाहनों को एवं दुकानों को जज्जी में स्थापित कर दिया गया था। वहीं अचानक अब नई योजना के अंतर्गत जज्जी बस स्टैंड में खड़े सभी वाहन एवं गुमटियों को वहां से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आज इसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य जिलाधीश से मिलने पहुंचे। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि किस तरह से संजय स्टेडियम से जज्जी में सभी गुमटियों को विस्थापित किया गया था, वहीं अब नए आदेश के अनुसार इनको वहां से भी हटना पड़ेगा। साथ ही जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिलाया कि जल्द ही जांच कर एवं आपसी सामंजस्य बिठाकर कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। जो गुना के प्रस्तावित बस स्टैंड पे गुमटी और टैक्सी धारकों को शिफ्टिंग करने का जो जिला प्रशासन का सोच अभी हम लोगों की निगाह में आया, हम सब उन गुमटी धारियों के साथ और टैक्सी धारियों के साथ जहां आए थे, हम लोगों ने ये भी कहा है कि इनको फुटबॉल ना बनाया जाए, क्योंकि पूर्व में भी यही कह के कि ये अंतिम जगह बसाहट के तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है और आज 3-4 साल के बाद इन्हें फिर किसी और जगह शिफ्ट करने का जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन का एक फरमान हम लोगों की निगाह में आया। हमने प्रशासन के समक्ष, विशेष करके कलेक्टर साहब के समक्ष इस बात को रखा है। उन्होंने इस संदर्भ में हम लोगों की बात को सुना है। हम लोगों ने उनसे आग्रह भी किया है कि गुमटीधारियों को और टैक्सी वालों को किसी एक जगह एक साथ ही रखने के दृष्टिकोण से विचार किया जाए और यदि बहुत ज़्यादा कहीं आवश्यक हो तो किसी को रोजगार विहीन ना किया जाए, रोजगार देकर के किसी अन्य जगह विस्थापित करने की योजना सबके समक्ष लाई जाए, जिसमें सब लोगों की सहमति उपरांत इस कदम के बारे में फिर आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रशासन ने इस बारे में सोचने का भरोसा दिया है और आगामी 14 तारीख को एक बैठक बुला करके उसमें भी विचार करने की बात कही है। हम लोग 14 तारीख को भी प्रशासन के निर्णय का आगे प्रतीक्षा करेंगे और अभी जो गुमटीधारी और टैक्सीधारी हैं उनके और भी आगे विचार सुन करके उनकी बात को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने के बारे में कटिबद्ध हैं। डीजे आना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।